हाय एवरीवन दोस्तों, NCVAP के पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन से रिगार्डिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आई है। इससे पहले जब NCVAP के पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन की मैंने आपको अपडेट दी थी, तो उस अपडेट के अकॉर्डिंग सितंबर 4 को पहली एडमिशन लिस्ट NCVAP की आनी थी, जिसको अब चेंज कर दिया गया है, रिवाइज़ कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, जो फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है NCVAP का भी, वो भी रेगुलर कॉलेजेस के साथ ही आया है 17 अगस्त शाम 5 बजे तक, और आपको सीट एक्सेप्ट करनी है 20 अगस्त शाम 5 बजे तक। वेरिफिकेशन चलेगा डॉक्यूमेंट का, वो आपका 21 अगस्त शाम 5 बजे तक चलेगा, और पेमेंट आपको फाइनली फर्स्ट लिस्ट के लिए कर लेनी है, वो है 22 अगस्त शाम 5 बजे तक। और उसके बाद फिर सेकेंड लिस्ट आपकी 25 अगस्त को आएगी, जिसके एडमिशन आपके 30 अगस्त तक चलेंगे। फिर मिड एंट्री आएगा इसमें आपका 31 अगस्त से, और उसके बाद फिर थर्ड राउंड का जो शेड्यूल है वो 4 सितंबर से आएगा। तो NCVAP की जिन बच्चों को अलॉटमेंट हुई है, वो अगर NCVAP में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो अपनी करंट अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपको 17 अगस्त को NCVAP में सीट अलॉट हुई है, तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो और फ्रीज़ करना चाहते हो, सेटिस्फाइड हो, तो एडमिशन लो, फ्रीज़ कर दो। और अगर NCVAP में एडमिशन आपको नहीं चाहिए, तो एडमिशन लो, फीस पेमेंट करो और अपग्रेड कर दो। सिंपल सी बात है, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ, NCVAP में अगर आपका नाम आया है, आपको एडमिशन चाहिए, तो अपना सारा प्रोसीजर कंप्लीट करो, सीट को एक्सेप्ट करो 20 अगस्त तक, और फीस पेमेंट कर लो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो NCVAP में एडमिशन के लिए ही, तो फ्रीज़ कर लेना, और अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो अपग्रेड कर लेना। याद रखिए, अगर आप रेगुलर कॉलेज में इंटरेस्टेड हो, NCVAP में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो इस अलॉटमेंट में आपको एडमिशन लेना होगा, उसके बाद भी आप अगले राउंड में जा सकते हो, ठीक है। ये अपडेट दोस्तों आज की इस वीडियो में आई थी रिगार्डिंग NCVAP एडमिशन से रिगार्डिंग। अगर आपने हमारे चैनल पर NCVAP PG एडमिशन की वीडियो देखी है, तो प्लीज़ वो वीडियो फॉलो कीजिए, लेकिन शेड्यूल ये वाला फॉलो होगा। उस वीडियो में बताया गया शेड्यूल अब चेंज हो गया है, अब NCVAP का शेड्यूल यही है।